बिल्कुल दिवाली थी जी, दिवाली की तो ओके, उसमें वेट में सभी थे पूजा करने के लिए। तो ये किस हिसाब से हुआ, किसी को कुछ नहीं अभी मालूम है। हमारे पास दो बच्चे हैं जी, एक गुड़िया है एक लड़का है। ये तो जैसे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जो भी इसका डिवाइडर है तो उसके पास में ही खड़ा है था ये, जो हमने रात को मौका देखा है, तो पुलिस भी साथ में थी। तो वो जैसे खड़ा था तो उसके जैसे खड़े हुए कि वाहन को ने उठा दिया इसको, या तो उसे लापरवाही से मतलब चला रहा था, या उसने ध्यान नहीं दिया इसको उठाने, तो ये उसी वैसे एक्सीडेंट हुआ है। दिवाली की बीती शाम जो है किस तरह से एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें जो है करीबन 40 वर्षीय एक किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, दिवाली पर घर के तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि नई अनाज मंडी के पास सब है, सड़क को क्रॉस करने के लिए साइड में खड़े थे कि तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार व्हीकल उनको टक्कर मारकर भाग जाता है, जिसमें जो है उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, उनको रेफर किया जाता है, लेकिन करनाल क्रॉस करते ही जो है उनकी मौत हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली जा रही है, ताकि गाड़ी का जो टक्कर मारकर भागी है, हिट एंड रन का जो मामला है, उसमें कहीं ना कहीं पता लगाया जा सके कि आखिरकार कौन वह गाड़ी थी जो सुभाष को टक्कर मारकर भाग जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो सुभाष है वो करनाल के मंगल कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दो बच्चे हैं उनके, घर पर तमाम लोग, परिवार के तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि दिवाली की पूजा होने वाली है, उनको फोन किए जा रहे थे, लेकिन जब फोन नहीं उठाया, इतने में ही जो है उनके पास पुलिस का फोन आ जाता है कि आपके परिवार के बेटे को जो है कोई अज्ञात व्हीकल टक्कर मारकर भाग गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। तो बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में हम मौजूद हैं, जहां पर दिवाली की देर शाम एक एक्सीडेंट हो जाता है और पैदल खड़े एक व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग जाता है। सुभाष उनका नाम बताया जा रहा है, 38 से 40 साल इसकी उनकी जो है उम्र बताई जा रही है, करनाल के ही रहने वाले हैं। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस इस समय पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो करती हुई शुरू कर रही है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं वो रात को मौके पर पहुंच गई थी, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है, लेकिन अज्ञात वाहन कौन था जो टक्कर मारकर भाग गया, जिसमें जो है 40 वर्षीय सुभाष की जो है मौके पर मौत हो जाती है, पता नहीं चल पा रहा है। दिवाली की शाम परिवार के लोग घर पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस तरह से रात को उनकी इस तरह से सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। इसमें उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे जानना चाहेंगे कितने बजे सर आपको जानकारी लगी जब जो है कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार गया। हमारे पास 4:48 पर कॉल आई थी, तो उसके ठीक हम 5-7 मिनट बाद हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। तो यहाँ से मतलब इन्हें भैया चंडीगढ़ ले जाओ, तो हमारे उसका नहीं है, तो यहाँ से जैसे उठाया चंडीगढ़ के लिए जाने लगे, तो ये रास्ते में मतलब करनाल क्रॉस करते ही डेड हो गया था। तो अब वापसी हम हॉस्पिटल में ले आए। हुआ कैसे एक्सीडेंट, क्या पता चला? ये तो जैसे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जो भी इसका डिवाइडर है तो उसके पास में ही खड़ा था ये, जो हमने रात को मौका देखा है, तो पुलिस भी साथ में थी। तो वो जैसे खड़ा था तो उसके जैसे खड़े हुए कि वाहन को ने उठा दिया इसको, या तो उसे लापरवाही से मतलब चला रहा था, या उसने ध्यान नहीं दिया इसको उठाने, तो ये उसी वैसे एक्सीडेंट हुआ है। उसका पता नहीं चला सर, अभी वैसे कैमरा लगे हुए हैं, तो उसके दौरान वैसे जैसे पुलिस रात को बता रही थी, भाई हम इसके में तो पूरी जितनी भी हो सके बनवार से बन पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। सुभाष जी अपना एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी का जी। दो बच्चे छोटे बच्चे, एक लड़के एक लड़की है। आपका नाम जी? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। तो आप देख सकते हैं सुभाष जो है बताया जा रहा है, जिनकी उम्र करीबन 40 साल है, खेती बाड़ी करते हैं, दो बच्चे हैं उनके, लेकिन एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग जाता है। हिट एंड रन का एक मामला है। 4:30 बजे के करीब जो है परिवार के लोगों को जानकारी लगी, 5 से 10 मिनट में जो परिवार के लोग वहां पर मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल से रेफर ही किया गया था कि करनाल क्रॉस करते ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, हर किसी ने मौके का मुआयना भी किया, पुलिस की टीम के साथ वहां पर गए भी, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कौन वाहन टक्कर मारकर भाग गया। नई अनाज मंडी के पास की यह घटना बताई जा रही है, और अगर किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी हो, किसी ने अगर ये एक्सीडेंट देखा हो, किसी का नंबर नोट किया हो, क्योंकि पिछले दिनों हमें याद है करनाल के पश्चिमी यमुना बाईपास में भी जो है एक बाइक सवार को एक गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया था, लेकिन एक चश्मदीद ने उस गाड़ी वाले की फोटो खींच ली थी और वो फोटो हमें भेजी थी, हालांकि वो सामने नहीं आया था, लेकिन हमने वो फोटो पुलिस को दी थी और उस आधार पर उस हिट एंड रन का मामला दर्ज हुआ था, ताकि कहीं ना कहीं एक जो है लोगों ने अगर किसी ने भी देखा है, किसी ने भी अगर कोई गाड़ी की फोटो खींची है, अगर किसी को भी कोई गाड़ी की पहचान है तो वो बेहिजक हमें फोन कर सकता है, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, वो जानकारी पुलिस को भी दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए कामयाब जरूर हो पाएगा, ताकि वो आरोपी जो हिट एंड रन गाड़ी से टक्कर मारकर भाग गया, जिसमें जो है उनकी मौत हो जाती है, उसके बारे में ताकि कोई ना कोई जानकारी जरूर जुटाई जा सके। परिवार के दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद है। कितने बजे जब आपको जानकारी लगी, आप मौके पर गए तो देखा कि कोई गाड़ी के निशान वगैरह कुछ ऐसा था? गाड़ी के निशान का तो है नहीं, टायरों के निशान है जी, वहाँ को जो ब्लड था ज़्यादा हुआ,
तो उनके हिसाब से लिखा जाता है काफ़ी स्पीड पे थी गाड़ी और आवर कंट्रोल थी, तो इस वजह से ये हादसा हुआ जी। और टक्कर मार के भाग गया जी। चाहेंगे कि कार्रवाई होनी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी कोई चश्म दी या किसी को देखा हो किसी ने मौके पे, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, हमारे को बताए या आपको बताए या पुलिस में दे। तो जैसे कहाँ रहते थे सुबह से? ये यहाँ पे है जी, मंगल कॉलोनी में है जी। घर वाले इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, दिवाली थी जी, दिवाली की धूप थी, उसमें वेट में सभी थे पूजा करने के लिए। तो ये किस हिसाब से हुआ किसी को कुछ नहीं अभी मालूम है। हमारे पास दो बच्चे हैं जी, एक गुड़िया है एक लड़का है। तो आप देख सकते हैं दिवाली में तमाम परिवार के लोग रिश्तेदार घर पर इंतजार कर रहे थे कि सुभाष आएंगे और पूजा की जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि 4:30-5 बजे उनको कोई अज्ञातवान टक्कर मारकर भाग जाता है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो दिवाली की बीती शाम जो है किस तरह से एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें जो है करीबन 40 वर्षीय एक किसान जो खेतीबाड़ी करते हैं, दिवाली पर घर के तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि नई अनाज मंडी के पास सब है, सड़क को क्रॉस करने के लिए साइड में खड़े थे कि तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार व्हीकल उनको टक्कर मारकर भाग जाता है, जिसमें जो है उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, उनको रेफर किया जाता है, लेकिन करनाल क्रॉस करते ही जो है उनकी मौत हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली जा रही है ताकि गाड़ी का जो टक्कर मारकर भागी है, हिट एंड रन का जो मामला है, उसमें कहीं ना कहीं पता लगाया जा सके कि आखिरकार कौन वह गाड़ी थी जो सुभाष को टक्कर मारकर भाग जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो सुभाष है वो करनाल के मंगल कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, दो बच्चे हैं उनके, घर पर तमाम लोग परिवार के तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि दिवाली की पूजा होने वाली है, उनको फोन किए जा रहे थे, लेकिन जब फोन नहीं उठाया इतने में ही जो है उनके पास पुलिस का फोन आ जाता है कि आपके परिवार के बेटे को जो है कोई अज्ञात व्हीकल टक्कर मारकर भाग गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। तो बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।